हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आकांक्षा किचन स्टोरीज़। दोस्तों, विंटर का सीज़न आ चुका है और हलवे में गाजर के हलवे की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, आज की हमारी रेसिपी है गाजर का हलवा, होममेड गाजर का हलवा, वो भी विदाउट मावा, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। यहाँ हमने 1 किलो गाजर को ग्रेट कर लिया है और साथ में कुछ नट्स लिए हैं, लाइक काजू लिया है और आलमंड्स, बादाम लिए हैं, इसे चॉप कर लिया है। अगर आप पिस्ता चाहें तो पिस्ता भी ले सकते हैं, और 1 ग्लास दूध लिया है। तो आइए चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। आप एक बड़ा पैन या कढ़ाई लीजिए, आप एल्युमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। और इसमें हमें खूब सारा देसी घी डालना है, जी हाँ, शुद्ध घी। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे शुद्ध घी में ही बनाएं, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। यहाँ मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। यू नो, घी भर भर के डालिए हलवे में, तो वाकई हलवे का जो स्वाद है वो बहुत निखर के आता है। तो हलवा मीन्स घी। और अब मैंने यहाँ पे जो ग्रेटेड गाजर मैंने किया हुआ था वो अब मैं इस घी में डाल दूँगी। गाजर का हलवा बनाने में प्रोसेस बहुत ही इजी है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि यहाँ हमें हलवे के लिए जो गाजर है उसे खूब देर तक पकाना होता है, उसमें कच्चापन होता है, उसे हटाना होता है, तो ये थोड़ा प्रोसेस ये टाइम लेता है। इट ऑल नीड्स पेशेंस। तो बाकी हलवा बनाने में ऐसे कोई इसमें टफ चीज़ नहीं है, बहुत इजी वे है। आपने देखिए, घी में जितने भी आपने गाजर ग्रेट किया था वो आपने डाल दिया है, और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। घी में गाजर को डालने के बाद और अच्छे से एक मिक्स देने के बाद, अब हमें यहाँ पे इसे करीब गाजर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आप इसे ढक के या फिर खोलकर भी इसे चलाते रहिए और पकाते रहिए। देखिए, गाजर जो है अभी आपने देखा होगा कढ़ाई में बिल्कुल फुल था, लेकिन अभी ये पकते पकते गलते गलते जो एक सॉफ्टनेस आ जाती है गाजर में, उससे ये अपने हाफ अमाउंट में आ जाएगा। देखिए, गाजर को मैंने करीब यहाँ पे मुझे लगता है 8 से 10 मिनट लगे होंगे, मैंने ढक के पकाया, उसके बाद थोड़ी देर चलाते रहिए ताकि नीचे से जो तली है उस पर पकड़े ना। और अब देखिए, गाजर जो है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये सॉफ्ट हो चुका है, ये गल चुका है, जो इसके अंदर का पानी था गाजर के अंदर का वो पूरा अब हट चुका है, ये सूख भी गया है। और अब टाइम है यहाँ पे 1 ग्लास दूध डालने का। दूध आप रूम टेम्परेचर पे जो रहे वही डालिए, और दूध की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बोलूँगी आप दूध अपने हिसाब से कोशिश करिए कि अधिक ही रखिए, क्योंकि यहाँ हम मावा यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें दूध में ही इसे अच्छे से पकाना है, और दूध को तब तक पकाना है जब तक वो बिल्कुल अच्छे से इसमें सोख ना कर जाए और मावे की तरह वो बिल्कुल दानेदार ना हो जाए, गाजर के ऊपर दिखने सा ना लगे, तब तक के लिए हमें इसे छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें 2 बार गाजर को इस तरीके से टाइम देना है, 1 बार ताकि वो गल जाए, उसका कच्चापन हट जाए, उसका पानी पूरा हट जाए, और फिर अब दूध डालने के बाद फिर से हमें इसे ढक के पकाना है ताकि दूध पूरा अच्छी तरीके से इसमें सोख हो जाए। ये 2 प्रोसेस जो है गाजर का हलवा बनाने में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर गाजर के हलवे में आप कभी कभी देखते होंगे मार्केट का, या फिर कभी आपने ऐसे खाया होगा, उनमें एक कच्चापन सा स्वाद आता है। वो इसलिए होता है कि वो फटाफट गैस को तेज करके कुछ लोग फटाफट पका देते हैं, तो उनके अंदर का कच्चापन जो होता है गाजर का, वो नहीं जा पाता है। आपको इसे टाइम देना पड़ेगा, मीडियम हीट पर, लो हीट ना करें, मीडियम हीट पर ही इसे पकाते रहें, चलाते रहें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ देखिए, मैंने इसे फिर से एक बार चलाया और अब मैं फिर ढक के इसे पकाऊंगी। यहाँ देखिए, मैंने फिर अभी देखा, अब देखिए ये काफ़ी हद तक इसका जो दूध है वो पूरा सोख कर चुका है, और इसमें अब दानेदार सा भी दिख रहा होगा, क्योंकि दूध काफ़ी अच्छे से खोल के इसमें पूरा मिक्स हो चुका है। अगर तब भी आपको अभी भी गाजर थोड़ा सा गीला सा लग रहा है ये हलवा, तो आप इसे चलाते रहिए और इसे और पकाते रहिए। गीलापन सा नहीं होना चाहिए हलवे में, वो फिर गाजर का हलवा ना इस तरीके से वो मज़ा नहीं देता है। मतलब सूखा सूखा सा रहे, टेस्ट सा रहे, तो वो अच्छा सा लगता है।
ये देखिए मैंने इसे और थोड़ा चलाया, मैंने फिर से इसे ढककर पकाया। अगर वो नीचे से आपको लग रहा है कढ़ाई में पकड़ रहा है तो आप उसे बीच बीच में चलाते रहिए, देखिए इस तरीके से, ताकि वो नीचे से जले ना। लेकिन आपको दूध जितना भी आपने डाला है वो पूरा इसके अंदर सोक कर जाना चाहिए। और दूध की क्वांटिटी मैं फिर बताऊंगी, आप अपने हिसाब से कमी ज़्यादा रख सकते हैं। जब दूध अच्छे से सोख कर जाए तब टाइम है इसमें चीनी डालने का। यहाँ मैंने देखिए 1 कप चीनी डाला है। चीनी ऑफ कोर्स हलवा गर्म है, बन रहा है, वो तुरंत पिघलना शुरू करेगी और हलवा बिल्कुल आपको फील होगा चलाते पे ही कि वो ढीला सा हो गया है, वो तुरंत ढीला हो जाता है हलवा, और क्योंकि चीनी गल जाती है उसकी, और एट अ टाइम तुरंत रंग भी आना शुरू हो जाता है। देखिए अचानक से ये कैसे बिल्कुल रंग सा इसमें आने लगा, ऑरेंजिश होने लगा। तो चीनी का काम यही है, इसीलिए जब भी आप हलवा बनाएं तो कोशिश करें कि चीनी को बिल्कुल लास्ट में डालें। जब अच्छे तरीके से गाजर गल जाए, दूध अच्छे से उसमें खौल जाए, तभी चीनी डालें। एक दूसरी तरफ देखिए मैंने एक पैन लिया, उसमें 1 चम्मच घी डाला है। अच्छा, ये प्रोसेस जो है, ये जो मैं कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स डायरेक्टली डाल देते हैं गाजर के हलवे में, वो उनके चॉइस के ऊपर है। यहाँ मैं हल्का सा भूनती हूँ, आप देसी घी में। मैंने यहाँ पे जो काजू थोड़े से काट के रखे थे और थोड़ा बादाम, इन्हें मैं हल्का सा सॉटे करूँगी, बहुत अधिक इसे भूनना नहीं है। यहाँ मैंने देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से डाली, और घी चूँकि मैंने हलवे में काफ़ी अमाउंट में डाला था, इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल घी में से मुझे डुबाना नहीं है। हल्का एक उसका सॉटे हो जाए, हल्का सा ब्राउनिश हो जाए, इतना ही मैंने 1 चम्मच ही घी यहाँ पे लिया है। और इसे सॉटे करने के बाद अब हम इसे हलवे में डालेंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल चीनी जैसे गल गया, देखिए उसकी आप उसमें गले हुए चीनी को ऊपर देख सकते हैं। और अब इसमें हम जो हमने ड्राई फ्रूट सॉटे किए हैं वो इसमें डाल देंगे। चीनी अगर आप पहले डाल देंगे ना दूध के पकने के टाइम पे, तो वो दूध अच्छे से सोक नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं हमेशा बोलूँगी चीनी आप लास्ट में ही डालें। पहले अच्छे तरीके से दूध या मावा जो भी आप है, पहले उसे अच्छे तरीके से उसमें गाजर को भून लें, चीनी को लास्ट में डालें, और फिर एज़ यूजुअल ड्राई फ्रूट्स अगर आपको डालने की इच्छा है तो वो भी उसी टाइम में डाल दें। फिर हमें इसे बहुत देर तक ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, क्योंकि ये अब बिल्कुल पक चुका है। बस एक थोड़ा सा इसको इसमें एक मिल जाए, आपस में घुल जाए, इसलिए हम इसे 2 मिनट और देंगे ढक के। देखिए मैंने यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भूना, इसे खूब अच्छे से भूनिए, इसे छोड़िए नहीं। गाजर का हलवा मीन्स इसे खूब अच्छे से भूनिए, इसे अच्छे से गलाइए। सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा तो मुझे लगता है कि सभी लोग पसंद करते हैं। हम अक्सर शादियों के सीज़न भी इस समय होते हैं, तो ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे भी गाजर का हलवा खूब बनता है। आप घर पे भी बनाइए, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उतना आपको देना पड़ेगा एक अच्छा हलवा बनाने के लिए। देखिए मैंने अब इसे अच्छी तरीके से भून लिया है, और अब ये बिल्कुल तैयार है हलवा प्लेट करने के लिए। कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। तो इस तरीके से गाजर का हलवा विदाउट मावा आप घर पर बनाइए। आप इसे गार्निश करने के लिए पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।